गैस पे सेक के दिखाऊंगा आपको, और दो पीस मैं सेक रहा हूँ ग्रिल पे। जो कोयले वाले जो कबाब है वो है हमारे ओरिजिनल कॉपी, और जो गैस में हमने सेक के दिखाई वो है फर्स्ट कॉपी। फर्क आपको खुद पता चल जाएगा। टेस्ट करेंगे कैसे बने हैं हमारे चिकन सी कबाब। ठीक है दोस्तों, एकदम सॉफ्ट एंड जूसी, आप देख सकते हैं एकदम जूसी, और ये मिंट सॉस के साथ, वाह मजा आ गया। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं चिकन सी कबाब के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत हमें पड़ेगी। आइए, मैंने यहाँ पे लिया है चिकन सी कबाब बनाने के लिए 250 ग्राम थाई बोनलेस। ठीक है दोस्तों, थाई का बोनलेस ही यूज करना आपको हम, क्योंकि जो ब्रेस्ट का जो बोनलेस अगर आप यूज करोगे तो उससे जो हमारा जो चिकन सी कबाब है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, जूसी नहीं रहेगा। मैंने यहाँ पे 30 से 40 ग्राम अमूल चीज इसमें सॉफ्टनेस लाती है कबाब में, और अमूल चीज का एक अलग ही फ्लेवर आता है। मैंने मिंट के पत्ते बोले तो हरे पत्ते पुदीना के लिए हैं मैंने 5-7, ब्राउन ओनियन जिसको आमतौर पे आप लोग बरिस्ता बोलते हैं जो बिरयानी में यूज करते हैं, और यहाँ पे दोस्तों मैंने ये लिया है धनिया की जड़, कोरिएंडर रूट और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। कोरिएंडर रूट का भी एक अपना अलग ही फ्लेवर आता है सीख कबाब में, जो आप चाहे चिकन सीख कबाब बनाओ चाहे मटन सीख कबाब, ये धनिया की जड़ का भी उसमें अहम रोल होता है। यह है दोस्तों मैंने 2 हरी मिर्च और 5-7 लहसुन की कली। चिकन सी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले इसमें जो अमूची मैंने आपको दिखाई थी वो भी डाल दी मैंने, मिंट के पत्ते। ठीक है दोस्तों, ये प्याज जो ब्राउन करके रखा हुआ मैंने बोले तो बरिस्ता, 2 हरी मिर्ची, यहाँ पर लहसुन, ये धनिया की जड़, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों नमक आपने अपना टेस्ट के अनुसार डाल। दोस्तों व्हाइट पेपर बोले तो दखनी मिर्च, व्हाइट पेपर का भी एक अलग ही मजा। इलायची पाउडर जिसको मैंने नॉर्मल इलायची को, हरी इलायची आती है जो, उसको पीस के इसका फाइन पाउडर तैयार करा है। ये है गरम मसाला पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, थोड़ा सा इसमें डालूंगा हल्दी पाउडर, इसमें डालूंगा दोस्तों मैं जीरा साबुत, साबुत जीरा का भी एक अलग ही फ्लेवर आता है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, इसको मिला लेना है। ठीक है, दोस्तों मिक्सी का जार लिया मैंने छोटा वाला मीडियम साइज का, और अब मैं इसको इसमें डालूंगा और इसका फाइन कीमा निकाल सकता। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप चाहें तो दोस्तों आप इसको और भी इजी बना सकते हैं, सिर्फ मिक्सी में आप चिकन का कीमा निकाल सकते हैं, बाकी ये जो भी हमारे धनिया की जड़, हरी मिर्ची, गार्लिक, अदरक जो भी हमने हर्ब्स इसमें यूज किए हैं वो आप इसको चाकू से फाइन चॉप करके डाल सकते हैं, बाद में कीमा के साथ ही डालते हुए दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आपने भी ऐसा ही करना है। ठीक है दोस्तों मिक्सी से निकालने के बाद ये हमारा जो सिक्का है कुछ इस तरीके से आएगा, पीसने के बाद तंदूर की जितने भी स्लाइस होते हैं मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आपने मेरी वीडियो पहले से देखते आए हो या देखते हो तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कोयले पे या ग्रिल पे, जो तंदूर के जितने भी स्लाइस होते हैं उनका मजा कोयल से ही आता है। अगर आपके पास ग्रिल भी नहीं है तो आप, मैंने जैसे आपने पिछली वीडियो में बोला था कि आप एक तसले का तो जुगाड़ कर ही सकते हैं, वैसे भी इंडिया तो जुगाड़ से चलता है, तो इंडिया तो में तो आके लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही देते हैं, है ना। फिर भी दोस्तों मेरे पास डिमांड आई है कि हमें गैस पे सेक के भी दिखाना है कबाब को, तो मैं आज दोस्तों अपने वीडियो में 2 पीस मैं लगाऊंगा ग्रिल पे और 2 पीस मैं सेकूंगा नॉन स्टिक पैन पे, उसके बाद आपको कंपेरिजन बताऊंगा। दोस्तों ये हमारा सीख कबाब जो हमने आपको दिखाया था मिक्सी में। ठीक है दोस्तों, अब आपने क्या करना है, तो जैसे मैं 4 पीस लगा रहा हूँ इसके, तो 4 अलग अलग एक साइज के आपने इस तरीके से अलग अलग कर लेना। ठीक है, तो
और यहाँ पर लिया है मैंने बाउल में साफ पानी है, कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है। आप कंफ्यूज हो जाते कि ये हाथ धोने के लिए, मतलब इस तरीके से ऐसे रखा हमने, ठीक है। और कबाब लगाने में भी हमें पानी की जरूरत पड़ेगी। तो ये है हमारा सरिया दोस्तों, स्टिक, ठीक है, इसी पे हमने लगाने कबाब। तो आपने इस तरीके से इसको ये लगा देना दोस्तों, ठीक है। और ये जो तीन उंगलियां है ना, इस वाली उंगली का आपने इस्तेमाल करना है सिर्फ तीन, और ये वाली उंगली का इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अगर आपके हाथों में चिपक रहा तो आप एक बार पानी से हाथ धो लें इस बार, और उसके बाद फिर इससे इसको लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आप, मैंने सारे कबाब जो हैं लगाने हैं, ठीक है, आपने भी इस तरीके से लगाना, बहुत ही आसान तरीके से मैंने लगाते हुए दिखाया। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, आपने इस तरीके से लेना दोस्तों। और ये जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो सिर्फ इस वाली उंगली का आपने इस्तेमाल नहीं करना है, ये तीन उंगलियों का इस्तेमाल करना है। और पानी से हल्का सा अपने हाथ धो लें, हल्का आपने प्रेस करते रहना है, और इस तरीके से आपने इसको आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है दोस्तों। और ये आगे से आपने इसको इस तरह से, इस हिसाब से इसको पंच कर देना है, ताकि जो है हमारा कबाब इधर उधर ना फिसले, है ना। ये ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा चिकन सीख कबाब, लग गया करें, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने सारे मैंने लगा दिए, हमारे सीख कबाब रेडी हो चुके हैं पकने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब ये बोल रहे हैं कि हमें सेक के दिखाओ, ठीक है। तो अब मैं दो पीस आपको कंपेरिजन के लिए, मैंने यहाँ पे चार पीस लगाए, दो पीस मैं गैस पे सेक के दिखाऊंगा आपको, और दो पीस मैं सेक रहा हूँ ग्रिल पे, ठीक है दोस्तों। तो दो पीस जाएंगे हमारे ग्रिल पे, ठीक है दोस्तों। तो ग्रिल पे भी दोस्तों आराम से जैसे पकेगा हमारा काम, तो तब तक हम दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कि तवे पे या नॉन स्टिक पैन पे कैसे दिखाना है। नॉन स्टिक पैन पे गैस जला दिया हमने, और थोड़ा सा इसमें लगा रहा हूँ मैं बटर, ठीक है दोस्तों। दो पीस मैं सेक के दिखाऊंगा आपको नॉन स्टिक पैन पे, ठीक है दोस्तों। और गैस जो है हमने बिल्कुल स्लो कर देनी है, थोड़ा सा आपने इसमें बटर और लगा देते हैं, इसमें इसको पलटते भी रहना है। इस साइड पे हमारा इस साइड पे कलर आ चुका है, तो हम थोड़ा सा इस साइड पे बटर लगा देते हैं, ग्रिल वाला सीख कबाब पे भी नजर डालते हैं। ये देखिए, ये हमारे यहाँ से कलर आ चुका है, और हम इसको पलट लेंगे, और थोड़ा सा हल्का हल्का आपने इसमें बटर लगाना है दोस्तों। बटर लगाने से जूसी बनाता है इसमें, ये दोस्तों। ये हमारा दोस्तों ऑलरेडी पक चुका है, ऑलमोस्ट मतलब पक गया है। अब देना है इसको धोखा, जैसे कि लोग आमतौर पर धोखा ही करते हैं। अब मैं इसको दिखाऊंगा, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर दूंगा इसको गैस में, ठीक है दोस्तों। गैस आपने थोड़ा सा तेज करनी है, इस तरीके से आपने, ठीक है दोस्तों। ये है धोखा, इस तरीके से गैस में कलर दे दिया, ठीक है, एक तरीके से धोखा ही है। तो अब उसका जो कंपैरिजन है दोस्तों, मैं इधर दिखा देता हूँ। अब ये कोयले का और वो गैस का कंपैरिजन आप खुद बता सकते हैं क्या फर्क है। तो दोस्तों, हर ओरिजिनल की होती है डुप्लीकेट कॉपी, जिसे हम बोलते हैं आज के डेट में फर्स्ट कॉपी। लेकिन ओरिजिनल के सामने आते ही जो डुप्लीकेट कॉपी यानी कि जो फर्स्ट कॉपी है, उसके छक्के छोड़ जाते हैं, आखिर बाप बाप ही होता है। इसी तरीके से जो कोयले वाले जो कबाब है, वो है हमारे ओरिजिनल कॉपी, और जो गैस में हमने सेक के दिखाई वो है फर्स्ट कॉपी। फर्क आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये है दोस्तों हमारे गैस वाले कबाब, और ये है हमारे ग्रिल वाले कबाब, ठीक है दोस्तों।
और ये है पेट में जाने के लिए बेकरार दोस्तों मेरी मिंट सॉस, इसके साथ आएगा इन कबाब को खाने का मजा, और इसकी और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों फर्क आपको खुद पता चल रहा होगा, अगर ये गैस वाले जो कबाब है मैं इसको सिर्फ गैस से गैस वाले दिखा रहा तो आपको बहुत अच्छे लगते, लेकिन इसके सामने मैंने कंपैरिजन लाया हूँ आपके लिए, आपको दिखाने के लिए कि जो फर्स्ट कॉपी और ओरिजिनल कॉपी में फर्क क्या होता है, आपको खुद पता चल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको थोड़ा सा टेस्ट करेंगे कैसे बने हमारे चिकन सीख कबाब। ठीक है दोस्तों, एकदम सॉफ्ट एंड जूसी, आप देख सकते हैं एकदम जूसी, और ये मिंट सॉस के साथ, वाह मजा आ गया। थोड़ा गैस वाले भी चेक कर लेता हूँ, तो आप थोड़ा सा गैस वाले भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वैसे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पसंद सबकी अपनी अपनी है, लेकिन मेरे हिसाब से कोयले में और गैस वाले में जमीन आसमान का अंतर है, बेस्ट कोयले वाले ही होगा। तो इसलिए दोस्तों तसले वसले का या ग्रिल का जुगाड़ कर लीजिए, क्योंकि मेरी अभी बहुत सारी वीडियो लाइन में खड़ी है, तो इसलिए असली कोयले का टेस्ट लीजिए उन वीडियो के साथ, और गैस वाले का जो टेस्ट है उनको भूल जाइए, उनको रखिए किनारा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोयले का जो मजा है वो मजा गैस का नहीं है।